हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे हो। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है ट्राइसेप वर्कआउट के ऊपर। तो भाई, हमारे आर्म्स में जो हिस्सा आए तो 30% हिस्सा बाइसेप का होता है और 70% ट्राइसेप का होता है। तो हमें ट्राइसेप पे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आपको ऐसे आर्म्स बनाने, तो आपको ट्राइसेप पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम हाफ बाजू की टी शर्ट पहनते हैं तो हमारा पूरा एकदम बाइसेप। यह भी अच्छा लगता है जब हमारा ट्राइसेप बड़ा होता है। और कुछ भाई मेरे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे पास कुछ भी पिरमन नहीं है वर्कआउट करने के लिए, या हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। तो मैं आज आपको सिर्फ दो डंपलों से फुल ट्राइसेप वर्कआउट बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिस्ट को। तो हमने यहाँ पर दो मीडियम साइज के डंपल ले लिए हैं। तो हमने देसी तरीके से ये घर पर बना रखे हैं और आप भी बना सकते हैं। ये काफ़ी कम खर्चे में बन जाते हैं घर पर। तो आइए लगाते हैं एक्सरसाइज। तो पहले एक्सरसाइज लगाएंगे हम इस कंडीशन में। तो पहले एक्सरसाइज में लगाएंगे हम डंपलों को रख देते हैं साइड। पहले एक्सरसाइज में लगाएंगे पुशअप्स, क्योंकि ट्राइसेप के लिए हमारे। तो पुशअप्स आपको इस कंडीशन में लगानी है। हाथ अपने ना ही ज़्यादा क्लोज रखने हैं और ना ही ज़्यादा वाइड रखने हैं इस कंडीशन में। शोल्डर से थोड़े अंदर रखने हैं पर, और बॉडी को रखना है एकदम सीधा इस कंडीशन में। पूरा एकदम स्क्यूज, और आपको 15 सेकंड होल्ड करके रखना नीचे जाते हो जब भी और ऊपर आते हो जब। और आपको सिलो सिलो ऊपर आना है और सिलो सिलो नीचे जाना है। आपको झटके नहीं लगाने हैं। इस कंडीशन में और आप कोई भी वर्कआउट करते हो, आपकी मसल पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चलनी चाहिए, एकदम पूरा लोड आना चाहिए मसल पे। क्योंकि जब तक हमारी मसल पे लोड नहीं आएगा, हमारे पेन नहीं होगा, तो नो पेन नो गेन। तो एकदम आपको पेन होना चाहिए मसल में आपकी जब आप वर्कआउट करते हो। पूरा स्क्यूज करना ऊपर की तरफ। और अब लगाएंगे डंपलों से अगले एक्सरसाइज। तो ट्राइसेप को अपने को होल्ड करते रहे इस कंडीशन में। इस कंडीशन में आपकी अपनी ट्राइसेप की मसल को चलाते रहे। तो अब लगाएंगे पहले एक्सरसाइज जो कि हमें लगानी है इस कंडीशन में, ट्राइसेप किकबैक डंपल। तो हमें लगाने इस कंडीशन में अपनी बॉडी को एकदम होल्ड करके रखना, और जब आप ऊपर आते हो तो 15 सेकंड होल्ड करना इस कंडीशन में, और सिरो सिरो नीचे। आप कोई भी एक्सरसाइज लगाते हो, आपको झटके नहीं लगाने, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। एकदम आपकी मसल पे पूरा लोड आना चाहिए इस कंडीशन में। 15 सेकंड होल्ड करके रखना, और हर एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं एकदम अच्छी तरीके से। जब तक आपकी ट्राइसेप पूरी अच्छी तरीके से ट्रेन ना हो जाए, जब तक आप वर्कआउट करते रहें। पूरा एकदम 15 सेकंड होल्ड। और जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन निकाल सकते हैं इतने निकालें। तो अब लगाएंगे अगली एक्सरसाइज जो कि हमें लगानी है सिंगल डंपल से। तो अगले एक्सरसाइज लगाएंगे हम इस कंडीशन में। तो अपनी हाथ की मुट्ठी बांध लेनी इस कंडीशन में, और अपने जो आर्म्स है उसको इस कंडीशन में रखना, और सिरो सिरो इस कंडीशन में लगानी एक्सरसाइज। इसमें भी हमें 15 सेकंड होल्ड करके रखना, होल्ड करके इस कंडीशन में, और दोनों हैंड से आपको सेम रेपिटेशन निकाल लें। दूसरे हैंड से लगाते हैं इस कंडीशन में, पूरा एकदम होल्ड। और इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं। और अब लगाएंगे अगले एक्सरसाइज। तो बीच बीच में आप अपनी मसल को चलाते रहें इस कंडीशन में, ट्राइसेप की मसल को दोनों हैंड से। तो आप लगाएंगे अगले एक्सरसाइज जो कि हमें लगानी है इस कंडीशन में। तो ये एक्सरसाइज हमें खड़े होकर लगानी इस कंडीशन में। तो डंपल लाने ऊपर की तरफ, और पूरा स्क्यूज करना, होल्ड करना 15 सेकंड, फिर से वापस, फिर से होल्ड 15 सेकंड, पूरा स्क्यूज एकदम ट्राइसेप की मसल पे पूरा लोड। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 से 4 सेट निकालने एकदम अच्छी तरीके से।
और रैपिड से आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लें, जितने आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा होल्ड करना, और अब लगाएंगे आगे एक्सरसाइज जो हमने किक बैक ट्राइसेप किक बैक डंपर लगाए थे, तो हमने लगाए थे इस कंडीशन में, और अब हम आप जो हम लगाएंगे वो इस कंडीशन में डंपर पकड़ेंगे, और जब लगाएंगे ट्राइसेप किक बैक डंपर इस कंडीशन में वही लगाते हैं, इस कंडीशन में पकड़ेंगे डंपर, वो फिर से सेम कंडीशन में, बस हमें अपने हैंड चेंज करने हैं, और पीछे स्क्वीज 15 सेकंड होल्ड, फिर से वापस, पीछे होल्ड करना पूरा एकदम, तो इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 से 4 सेट निकालने हैं, और रैपिड से ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं आपको, क्योंकि जो मैं मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि भाई हमारा बाइसेप का या आर्म्स का साइज नहीं बढ़ पा रहा हमारे, तो इसी कारण आपका आर्म्स का साइज नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि आप ट्राइसेप पे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हो और आप बाइसेप पे मेहनत करते हो, तो आपको ट्राइसेप पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी, जब भी आपका आर्म्स का साइज बढ़ेगा और अच्छा लगने लगेगा। तो यही था अपना वर्कआउट, तो ट्राइसेप पूरी तरीके से एकदम अच्छी तरीके से ट्रेन हो चुका है, पूरा एकदम अच्छी तरीके से ट्रेन हो चुका है ट्राइसेप। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे लानी है कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद और वंदे मातरम।